आजा 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 आओ ना आजा आजा। तीन बच्चे हैं वो पत्थर अभी मार रहे हैं। जब ट्रेन निकल गई ना तब मतलब एक पूरे फैमिली जिसमें दो बच्चे थे और एक में फिलहाल तो थोड़ी सी समस्या हुई है लेकिन कोई नहीं, जल्दी कीजिएगा भैया ट्रेन निकल जाएगा। प्रॉब्लम है लीकेज वगैरह और इस वजह से बंद कर दिया। जनरल कोच बिल्कुल खुचा। सो गाइस तो फाइनली अपनी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे। हाजी क्या हाल चाल है आप सभी के। सो फिलहाल अभी हम लोग हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और आज की जो जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12410 गुंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि वीक में 5 दिन चलती है, फ्राइडे और संडे को छोड़कर। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रायगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच में, रायगढ़ जो कि आता है छत्तीसगढ़ में। और मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ, ये ट्रेन है ना दोपहर में 3:05 पे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से निकलती है और आपको अगले दिन शाम 6 रायगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। और इस ट्रेन में आज हम लोग जो जर्नी है वो होने वाली थर्ड एसी कोच में, कोच है B10 और सीट है 55 मतलब साइड लोअर। तो भाई स्टेशन पे ये देखिए, तो भाई अपनी ट्रेन का बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर हो चुका है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से। तो भाई जैसे ही ट्रेन का डिपार्चर हुआ वहाँ पे देखिए तीन बच्चे हैं वो पत्थर अभी मार रहे थे। हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बाद जब ट्रेन का डिपार्चर होता है थोड़ा सतर्क रहिएगा। सब एक समस्या हो गई है, समस्या ये है कि देखिए वैसे गोंडवाना एक्सप्रेस में LHB कोच लगा हुआ है लेकिन पुराना LHB कोच है, इसमें साइड लोअर नहीं साइड अपर में चार्जिंग पोर्ट नहीं देखने को मिलेगा इस रेक में फिलहाल। तो थोड़ी सी समस्या हुई है लेकिन कोई नहीं, मैनेज करेंगे। तो 135 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का पहला हॉल्ट उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है MTJ और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 का। वैसे मथुरा रेलवे स्टेशन पे अपनी इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 4:30 लेकिन आज हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है 15 डिले। वैसे 9 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है मथुरा और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 200 से भी अधिक ट्रेन आकर रुकती है और मथुरा आप सभी को पता ही है भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। साथ ही अगर आप मथुरा रेलवे स्टेशन आते हैं तो यहाँ का मथुरा का पेड़ा ट्राई कर सकते हैं, वो आपको स्टेशन पे इजीली मिल जाएगा। साथ ही मथुरा रेलवे स्टेशन का कुल्लड़ वाला चाय, कोटा से आ रहा हूँ, सुनील जा रहा हूँ। वीडियो बहुत देर से नोटिस किया था कि मैं मतलब वीडियो कैसा लगता है, वीडियो सही लगता है? अकेले फैमिली के साथ? नहीं अकेले। और ये कुल्लड़ वाला चाय आपको पड़ेगा 25 का, कुल्लड़ का साइज देख लीजिए, जल्दी कीजिएगा भैया ट्रेन निकल जाएगा। और ये देखिए कुल्लड़ का आप साइज देखिए, ये 25 का है कुल्लड़ वाला चाय। वैसे 10 वाला ही मिल जाएगा लेकिन 10 वाला कुल्लड़ जो है ना वो छोटा रहेगा। ये देखिए, ये अगर आप आते हैं मथुरा रेलवे स्टेशन तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
सही में भाई, 25 रुपया जो लिया गया है ना, बिल्कुल वर्थ इट है, एकदम प्योर दूध का, एक नंबर। तो भाई अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है मथुरा रेलवे स्टेशन से। वैसे सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन हम लोग की ट्रेन यहाँ रुकी है लगभग 10 मिनट। तो अभी फिलहाल हम लोग की ट्रेन फर्रा रेलवे स्टेशन पे आके रुकी है और यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन ओवरटेक करके जाने वाली है अपनी इस ट्रेन को। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक शानदार सा ओवरटेक। तो 305 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का तीसरा हॉल्ट ग्वालियर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GWL। और यहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। और ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे अपनी इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 7:28 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 20 मिनट डिले। वैसे 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है ग्वालियर, और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 185 ट्रेन आकर रुकती है। और देखिए इस ट्रेन में पेंट्री कोच नहीं है, साइड पेंट्री है। साइड पेंट्री में खाना बेचा जा रहा है 120 की थाली, लेकिन हम साइड पेंट्री का खाना ट्राई नहीं करेंगे। हम ऑनलाइन खाना ऑर्डर किए हैं अगले रेलवे स्टेशन से। वैसे ग्वालियर से पहले ये ट्रेन रुकी थी आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट था मथुरा, उसके बाद आगरा कैंट, और ये इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट है ग्वालियर। उसके बाद ये ट्रेन रुकेगी झांसी में। वैसे इस ट्रेन में भी देखे तो भाई पानी बेचा जा रहा है, रेल नहीं, वो भी 20 का बेचा जा रहा है। अभी कहने पे तब जाके 15 का पानी दूसरे पैसेंजर को दे रहा है। भैया भैया लाइए, आप आइए ना, हम खींच लेते हैं। आप आइए, अरे आप आइए, आजा आजा आजा, आओ ना, आजा आजा, आइए 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 आइए, आजा भाई। सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है ग्वालियर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और हम लोग की ट्रेन यहाँ 25 मिनट डिले पहुँची थी। भाई साहब अभी आपने देखा जब अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा था ग्वालियर रेलवे स्टेशन से, तब क्या हुआ, तो जब ट्रेन निकल गई ना, तब मतलब एक पूरे फैमिली जिसमें 2 बच्चे थे और टोटल मिला के 6 पर्सन थे, वो मतलब बाहर ही रह गए। और उन्हें जाना था स्लीपर कोच में जाना था, कौन से कोच में जाना था मुझे नहीं पता, लेकिन जब ट्रेन निकल गई तो धरफर में अब उन्होंने सोचा कि भाई सामने में जो कोच है उसी में बोर्ड कर जाते हैं। वो तो मतलब 1-2 बंदा तो अंदर आ गया और 4 बंदा बाहर ही था, जिसमें 2 बच्ची भी थी। तो संजोग बनाइए कि हम गेट पे खड़े थे, हाथ पकड़ के अंदर खींचे फटाफट। देखिए जब भी किसी भी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट होता है ना स्टेशन पे, तो जहाँ भी आपकी कोच आकर लगती है, आपकी कोच आकर अगर आपके सामने में नहीं लग रही है, पहले तो देख लीजिए। मतलब ट्रेन जब आती है स्टेशन पे तो पहले ही इंडिकेट कर दिया जाता है कि भाई ये कोच यहाँ पे लगेगी, उस हिसाब से आप उस कोच के सामने रहिए। अगर वो कोच आपके सामने नहीं रहती है तो आप क्या कीजिए, मतलब सामने में जो भी कोच आए 2 मिनट के हॉल्ट में, उसमें बोर्ड कर जाइए और कोच से ही कनेक्ट रहता है दूसरा कोच, उससे आप डायरेक्ट चले जाइए स्लीपर क्लास में। अब ऐसे में अपनी कोच में जाने के चक्कर में 2 मिनट के हॉल्ट में तो ट्रेन छूटेगा ही ना, तो ऐसा ना करें। इसमें क्या होता है, दुर्घटना भी घट सकता है। बताइए 2 लोग तो अंदर आ गए और बाकी के जो लोग थे 4 लोग, वो सोच रहे थे आए कि नहीं आए, कंफ्यूजन में थे, इसी कंफ्यूजन में दुर्घटना हो जाता है। वो तो गेट पे खड़े थे, हाथ पकड़े फटाफट, 2 लोग थे, हम लोग खड़े फटाफट अंदर खींच के डाल दिए भाई साहब। लेकिन बहुत ही रिस्की होता है।
तो मेरे कोच के वॉशरूम में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो यहाँ लिख दिया गया है पानी ख़त्म होगा या होगी जो भी है। अभी इसमें कोई मतलब पानी आ रहा है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है, लीकेज वगैरह हो रहा है, इस वजह से बंद कर दिया गया है और इसे लिख दिया गया है। वैसे पानी ना यहाँ भी बाहर नहीं आ रहा है, ये देखिए यहाँ भी नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गया इस वजह से बंद किया गया, ये देखिए। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन का चौथा हॉल्ट वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन, जहां पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 8 मिनट का। और यहां पे अपनी गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था शाम के 8:55 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 10 मिनट डिले। 8 मिनट का हॉल्ट यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोको पायलट चेंज होंगे, ट्रेन के मैनेजर चेंज होंगे, साथ ही वाटर फिलिंग किया जाएगा। पेंट्री इस ट्रेन में नहीं है, साइड पेंट्री, लेकिन साइड पेंट्री से हम लोग डिनर ट्राई नहीं कर रहे हैं। ऑनलाइन हम लोगों ने IRCTC से फूड ऑर्डर किया है, भैया आते हैं उसके बाद खाना रिसीव करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन में हमने क्या ऑर्डर किया। तो वेट ऑनलाइन कर देते हैं, बार नहीं वाला नहीं पाएगा सर, कैसे भैया कैसे, तो 500 है। हाँ, हो जाएगा। तो 8 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन से। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 9:25 और अपनी ट्रेन जो है लगभग अपने टाइम से 15 मिनट डिले चल रही है। तो ऑनलाइन हम लोगों ने फूड ऑर्डर किया था IRCTC से। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया था। और ये रहा पनीर काजू पुलाव, साथ में दाल मखनी रोटी, ये दो चीज़ हम लोगों ने ऑर्डर किया था। इधर भी एक्स्ट्रा रखा हुआ, साथ में ये दिया गया, केचप वगैरह दिया गया, अचार वगैरह दिया गया। तो चलिए पहले हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद फिर रिव्यू देते हैं कौन से रेस्टोरेंट से हमने ऑर्डर किया, कैसा था, खाने के बाद बताते हैं। तो एक रेड चिली सॉस दिया गया था और साथ में ये देखिए ग्रीन चिली सॉस। अजी तो खाना पीना अपना हो गया और खाने में हम लोगों ने ऑर्डर किया था पनीर काजू पुलाव, जो कि ठीक ठाक था, ओके था, ऐसा था कि अब खा सकते हैं। और रही बात दाल मखनी रोटी की, वो भी गर्म था और दाल मखनी भी एक नंबर था। अब कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर किए वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके आप चेक कर लीजिएगा। और आप इस रूट में ट्रैवल करते हैं तो झांसी से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह में, क्योंकि ठंड का समय है, 10 बजने वाला है। तो भाई अब रात में जग कर बाहर का क्रॉसिंग स्टेशन क्या दिखा है, मिलते हैं सुबह में, तब तक के लिए गुड नाइट। तो बेडशीट वगैरह बिछा लिए हैं, नीचे ब्लैंकेट, ऊपर की चादर, और ये चादर ओढ़ के सोएंगे, साथ में 2 लीटर का बोतल। The next morning. गुड मॉर्निंग गाइस, तो 1090 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 19वां हॉल्ट महाराष्ट्र के नागपुर जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है NGP। और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 15 मिनट का हॉल्ट अपनी ट्रेन का नागपुर में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लोकोमोटिव को किया जाएगा रिवर्स, साथ ही यहाँ पे लोको पायलट चेंज होंगे, ट्रेन के मैनेजर चेंज होंगे और वॉशरूम की भी साफ़ सफाई होगी, साथ ही वाटर फिलिंग किया जाएगा। वैसे नागपुर रेलवे स्टेशन पे अपनी गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन का पहुँचने का टाइम है सुबह के 8:20 और आज हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है लगभग 20 मिनट डिले। वैसे 8 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है नागपुर, और ये जो अपनी ट्रेन है ना गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन, ये टोटल 1630 किलोमीटर की दूरी तय करती है 32 हॉल्ट के साथ, लगभग 26:55 मतलब लगभग 27 घंटे का सफ़र होता है इस ट्रेन का। चलिए सुबह का टाइम है, इस ट्रेन में पेंट्री कुछ नहीं है, साइड पेंट्री है, लेकिन साइड पेंट्री में भी कुछ अभी नहीं मिल रहा था। तो चलिए यहीं पे देखते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह लेते हैं। वैसे अगर आप आते हैं नागपुर तो पता ही है किस चीज़ के लिए जाना जाता है नागपुर, नागपुर को हम लोग ऑरेंज सिटी कहते हैं,
तो यहाँ पे आपको ऑरेंज वगैरह मिल जाएगा, ऑरेंज बर्फी, ऑरेंज सोन पापड़ी ये भी मिल जाएगा। बहुत बार ट्राई किए हैं लेकिन उससे भाई वो ब्रेकफास्ट थोड़ी है, कुछ देखते हैं खाने पीने का चीज़ लेते हैं। तो भाई जब ट्रेन में पेंट्री कोच नहीं होता है तो ये हाल होता है, लोग मतलब खाने के लिए ब्रेकफास्ट के लिए स्टेशन पर जो ही मिलता है वही। देखें यहाँ पे इडली वड़ा वगैरह मिल रहा है, तो चलिए देखते हैं ट्राई करते हैं। तो यहाँ से दो इडली एक वड़ा हम लोगों ने ले लिया है, गेस कीजिए कितना का होगा भाई साहब, 50 में दिया जा रहा है। तो गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन के लोकोमोटिव को रिवर्स कर दिया गया है। ये है गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन का जनरल कोच, बिल्कुल खचाखच भरा हुआ है भाई साहब। ये देखिए, देख रहे हैं क्या हाल है। 15 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है नागपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से। वैसे दो इडली और एक वड़ा का 50 रुपया लिया गया जो कि ओवर प्राइस है मेरे समझ से, लेकिन सभी लोगों से लिया जा रहा था क्योंकि कोई ऑप्शन भी नहीं था, यही सिर्फ मिल रहा था ब्रेकफास्ट में प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। और अभी हम ट्राई किए भाई साहब, सांभर इतना स्पाइसी है ना, पहली बार ऐसा हम खा रहे हैं, बहुत स्पाइसी है। और इडली भी उतना मज़ेदार नहीं है। करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन का 22वां हॉल्ट महाराष्ट्र के गोंडिया जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है जी, और यहां पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है सिर्फ 2 मिनट का। गोंडिया रेलवे स्टेशन पे गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 10:43, लेकिन आज हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 40 मिनट डिले। तो चलिए अब मैं आपको ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 3 जनरल कोच के साथ, 2 स्लीपर का कोच लगा हुआ है इसमें, 10 थर्ड एसी का कोच है और सेकंड एसी का 2 कोच और 1 फर्स्ट एसी कोच के साथ चलती है। और मैं फेयर की बात करूं, अगर इसमें ट्रैवल करते हैं इन टू इन, मतलब
हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रायगढ़ के बीच में स्लीपर क्लास में, उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 630 रुपया। वही आप अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 1700 रुपीज़, मतलब 1700 रुपया। और अगर आप सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका फेयर है 2500 रुपीज़, मतलब 2500 रुपया। फर्स्ट एसी में ट्रैवल करें तो उसका फेयर है लगभग 4200 रुपीज़। कुछ देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं रायपुर रेलवे स्टेशन। उससे पहले मैं आपको गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन का वॉशरूम का कंडीशन दिखाता हूं, थर्ड एसी कोच का। वॉशरूम में जाने से पहले बाहर का कंडीशन देख लीजिए, सामने में मिरर है और पानी जो है जब से ट्रेन चल रही है तब से इस वॉशरूम में नहीं आ रही, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम है। और नीचे डस्टबिन है, इधर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। चलिए अंदर का कंडीशन दिखाते हैं। वैसे ये जो है ना ऑटोमेटिक स्मोक एंड हीट डिटेक्टर है। भाई साहब अब हम लोग आ चुके हैं गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन के थर्ड एसी कोच के इंडियन स्टाइल वॉशरूम में। और वॉशरूम में आते ही सामने में एक मिरर आपको देखने को मिलेगा। मिरर का साफ सफाई देख लीजिए, सही है, ठीक ठाक है। ऊपर लाइट देखने को मिलेगा, ये बेसिन की साफ सफाई, नीचे डस्टबिन, और इसमें लिक्विड सोप रखा हुआ है। और ये भाई सेविंग सॉकेट वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। अगर मैं कंडीशन की बात करूँ ना, तो वॉशरूम का कंडीशन इस ट्रेन का, मतलब गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन का थर्ड एसी का मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया है, मतलब ठीक है। और कोच का भी कंडीशन बढ़िया है। रायपुर में देखिए अमरूद का साइज देख रहे हैं भाई, ये देखिए साइज कितने का है, 120 रुपए किलो। तो ये 120 का केजी है, साइज देखिए गुआवा का। सो गाइस, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं रायपुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। और रायपुर रेलवे स्टेशन पे अपनी गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है 1:30, और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 30 मिनट डिले, मतलब आधा घंटा डिले पहुंचे हैं। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा। अब आप लोग को लग रहा हो कि भैया पंक्चुअलिटी की बात कर रहे हैं तो यहीं पे डिवोट कर रहे हैं। जी हाँ, हम यहीं डिवोट कर रहे हैं। वैसे ट्रेन जो है ये रायगढ़ तक जाती है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रेलवे स्टेशन तक, और रायगढ़ जो है ये शाम में 6 बजे पहुँचाएगा। हम रायपुर में इसलिए डिवोट कर रहे हैं क्योंकि अपनी जो अगली कनेक्टिंग ट्रेन है
वो रायपुर से ही है। चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, लेकिन जर्नी को लास्ट करने से पहले जर्नी एक्सपीरियंस के बारे में बात करना ज़रूरी होता है हर जर्नी की तरह। तो जर्नी एक्सप्रेस इस ट्रेन का ठीक ठाक रहा, लगभग पंक्चुअल है ट्रेन। हाँ, लेकिन भाई इसमें पेंट्री नहीं है, साइड पेंट्री है, लेकिन अब साइड पेंट्री का पता ही है कैसा होता है सीन। तो इस वजह साइड पेंट्री से खाना ट्राई नहीं किया, रात में ऑनलाइन खाना ऑर्डर किए थे। और रही बात साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई इस ट्रेन का एवरेज है। थर्ड एसी में ट्रैवल करें, वाशरूम का कंडीशन हो, कोच का कंडीशन हो, दोनों मतलब लगभग ठीक ठाक था। चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और लगातार शीतल भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, इतने पीस पाए। और हाँ, प्यार करते हैं बाबू साहब आप सभी से।